ओसम कैंप एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे आप पोज एंड ब्रीथ डीपली सांस ले सकते हैं। कहाँ जाना है ये तो मालूम था, पर किस राह से होकर गुजरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। जैसे कदम बढ़ाए हरे भरे पेड़ों से घिरे सुरम्य रास्तों ने मानो बाहें फैलाकर हमारा स्वागत किया। Hey guys, welcome back to our channel फलहार नोमैड्स। आज हम आपको ले जाने वाले हैं गुजरात का एक हिडन जेम और संग कैंप। 125 एकड़ में फैला हुआ ये नेचर रिसोर्ट ओरसंग नदी के पास गामड़ी विलेज में है और नेचर लवर के लिए तो ये एक पैराडाइज जैसा है। बर्ड वॉचर भी यहाँ आना चुकते नहीं है। तो चलो हम आपको शेयर कराते हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन की। रिसोर्ट के मुख्य द्वार से आगे बढ़ते हुए कुछ यूं महसूस हुआ जैसे ये जंगल अपनी खामोशी में कोई अनकही दास्तां सुना रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं ओरसंग कैंप में, जो कि लॉश ग्रीन फॉरेस्ट में बसा हुआ है। यहाँ की ग्रीनरी देख के ही मन फ्रेश हो जाता है। नेचर में टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही मजा है। ऐसा लगता है दुनिया स्लो हो जाती है और आप अपने ख्यालों में अपने रिदम से ट्यूनिंग कर पाते हो। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज, लीफ का रसलिंग
और बारिश की रिमझिम। विस्लिंग वाला आवाज़ आ रहा है मैडम, वो यहाँ पे अभी यही साल देखने को मिला, रेयर स्पीसीज है, फॉक्सटेल ड्रोंगो कुकू। और ये जो बर्ड है वो बहुत लोगों का लाइफर होता है और इस बार बहुत सारे फोटोग्राफर्स को यहाँ उनका एकदम क्लियर शॉट मिला है। एडवेंचर ही नहीं, यहाँ की स्टेज भी है कुछ खास कुछ हटके। आपके पास कुछ चॉइस है जैसे कि मिश्री मचान, हम जहाँ पे रहे हैं वो मिश्री मचान है, यह है रिवर व्यू विस्टा जहाँ से ओसंग रिवर का व्यू मिलता है आपको, और विलेज स्टाइल कॉटेजेस। लेकिन आई एश्योर यू किसी भी कॉटेज में आप रहेंगे आपके आजू बाजू लश ग्रीन फॉरेस्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल के बीचों बीच में रह रहे हैं।